हेलो दोस्तों, मैं हूँ हार्दिक और आज अपन सीखेंगे कि व्हाट्सएप के स्टेटस को डायरेक्ट कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। उसके बाद आप देखिए, ये सारे मेरे स्टेटस हैं जिनको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं किसी अपने एक स्टेटस को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने ये अपना स्टेटस ओपन किया, तो इसे ओपन करने के बाद जब अपन इस स्टेटस को पूरा देखते हैं तो ये ऑटो डाउनलोड हो जाता है। लेकिन बहुत जनों को पता नहीं है वो कहाँ डाउनलोड होता है, जिस वजह से अपन एक दूसरे से मांगते हैं कि भाई स्टेटस मेरे को सेंड कर, ये है वो है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि स्टेटस उनके अंदर डाउनलोड हो गया है। तो उसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा। देखिए, मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करके बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद डिवाइस स्टोरेज ओपन करें अपना। डिवाइस स्टोरेज ओपन करने के बाद जो व्हाट्सएप का जो फोल्डर है उसे ओपन करना है। तो मैं अपना व्हाट्सएप का फोल्डर ओपन करता हूँ। फिर उसके बाद मीडिया को ओपन करना है। और मीडिया को ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ पे स्टेटस का नहीं बता रहा है। तो मैं सेटिंग में जाऊँगा। तो सेटिंग में जाने के लिए यहाँ वो क्लिक करके सेटिंग किया। फिर उसके बाद शो हिडन फाइल किया। उसके बाद देखिए, जो हिडन फाइल थी वो सारी बता दी। तो उसे ओपन करते देखिए, ये जो मैंने स्टेटस देखे वहाँ पे, वो सारे स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए, ये वो स्टेटस है जो मैंने वहाँ देखा था, वो ऑटो डाउनलोड हो गया है। अब इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद जो मेरे को जहाँ भी लेना है वहाँ पे मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे अपने 4360 में पेस्ट कर देता हूँ। तो वो सक्सेसफुली पेस्ट हो गया। तो दोस्तों, यहाँ से हटाने का कारण ये है कि यहाँ पे व्हाट्सएप का जो पॉलिसी है उस हिसाब से, मतलब 24 आवर में वो ऑटो डिलीट हो जाता है, इसलिए अपने स्टेटस में से हटाना पड़ता है, वरना यहाँ से ऑटो डिलीट हो जाता है। अब वहाँ अपन ने कॉपी कर लिया है, वहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपना फाइल खोला, SD कार्ड, फिर जहाँ मैंने पेस्ट किया था, ये देखिए, ये 4360 और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था, ये रहा। अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अपन अपने व्हाट्सएप के स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।